अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़। आदाब नाजरीन, शहर हैदराबाद जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी रहमत नगर डिवीज़न में श्रीराम नगर सैदना उमर मस्जिद के सामने बाद नमाज जुमा सीएम केसीआर ने तेलंगाना में CAA NRC और NPR को लागू नहीं करेंगे कहा था। इसकी खुशी मनाते हुए तेलंगाना की आवाम ने सीएम केसीआर की फ़ोटो को दूध से नहलाकर आवाम में मिठाइयां तकसीम करके अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सीनियर लीडर लियाकत अली, वार्ड मेंबर सैयद बशीर, जावेद शेख, खाजा सैयद उमर, मोहम्मद फयाज, शेख मुबीन, सिकंदर, सिराज, रहीम, अजीज़, सुलेमान, चांद, इब्राहिम के अलावा आवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। हमारे सीएम हनीमुल केसीआर साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स है कि जो बात बोला वो बात कर रह गया है, वैसे हमारे सीएम है। हमारे तेलंगाना में मुसलमान बहुत परेशान थे इस मोदी की तरफ से कि CA NRC लाए और ये हिंदुस्तान में हलचल मचाए, तो इस बात पे केसीआर साहब ने अपने मीडिया में लगा के प्रेस मीट लगा के बताया है कि यहाँ तेलंगाना में CA NRC नहीं लगाया जाएगा और असेंबली में इसके खिलाफ बिल लगा के सेंटर को भेजा जाएगा। इसलिए हमने उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सारे मुसलमान इतने खुश है कि बहुत हर आदमी परेशान था कि CA NRC से क्या होगा। श्री अहमदनगर डिवीजन में आज सारे मुसलमान माइनॉरिटी की तरफ से आज हम KCR साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। बहुत बहुत खुशकिस्मत है समझते हैं हम कि हमको ऐसा CM मिला, ऐसे CM साहब जो हमारे को जो NRC और CA के बारे में जो प्रॉब्लम से जो परेशान थे सारे माइनॉरिटीज़, हर कोई हर मज़हब वाला परेशान था हैदराबाद शहर में, क्या पूरे तेलंगाना है, पूरे इंडिया में, पर हमारे तेलंगाना के KCR CM साहब हमको ये बात करके खुश कर दिए कि अपने पास ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई लागू करने नहीं देंगे। हम तेलंगाना के बादशाह है, कोई मोदी या कोदी कोई कोई नहीं चलेगा यहाँ पर, वो सेंटर में रहेंगे, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं होगा और हम इसको लागू नहीं करेंगे और हम आप लोगों के माइनॉरिटी के साथ है और NRC के बारे में हम असेंबली में भी बिल लगाएंगे बोल के जो परसों बात करें KCR साहब। सारे मुसलमान सारे हर मज़हब के लोग खुश है क्योंकि हमारे तेलंगाना में मिलजुल के जो हर कोई रहते थे वैसे जगह है कि मोदी सरकार जो BJP पार्टी जो ये बेफजूल के जो मसले निकाल कर हर किसी को परेशान कर दिए, जो हमारे साथ में दोस्त रहते थे हिंदू मुस्लिम, आज हम खुद एक को एक अलग नज़रिया से देखना पड़ रहा। इसलिए ऐसी गवर्नमेंट ऐसी हुकूमत को इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में तो किसी हाल उखाड़ के फेंकेंगे, लेकिन अब तो हम KCR साहब का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। बहुत अच्छे CM साहब है, बहुत शुक्र अदा करते हैं।